क्लास 7 गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 5 रेस्पिरेशन एंड ऑक्सीजन लास्ट क्लास में डिस्कस किया था रेस्पिरेशन क्या होता है ऑर्गेनिज्म हमने आपको बताया ऑर्गेनिज्म प्लांट एनिमल ह्यूमन बीइंग्स ठीक है ना तो ये सब लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं रेस्पिरेशन क्या होती है ठीक है ना टाइप ऑफ रेस्पिरेशन कौन-कौन से होते हैं हां हमने आपको बताया था एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है हम आपको फिर से इसको रिपीट कर देते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होती है जिसमें की ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होती है वो कौन सी कहलाती है अपनी एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है और जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है जहां पर ऑक्सीजन की विदाउट ऑक्सीजन आप क्या कर सकते हो रेस्पायर कर सकते हो वो कौन सी रेस्पिरेशन होती है आपकी एनएरोबिक रेस्पिरेशन फर्स्ट एरोबिक सेकंड एनएरोबिक एरोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है एनएरोबिक में ऑक्सीजन एब्सेंट रहती है सो टुडे वी हैव मेक अ न्यू टॉपिक रेस्पिरेशन इन प्लांट रेस्पिरेशन इन प्लांट मींस आप सभी को मालूम है जैसे ह्यूमंस और एनिमल्स ब्रीथ करते हैं या रेस्पायर कर सकते हैं ऐसे ही कैपेसिटी प्लांट्स में होती है क्यों क्योंकि प्लांट्स भी विदाउट रेस्पिरेशन सरवाइव नहीं कर सकते हैं प्लांट्स में के लीव्स में प्लांट्स में ऐसे कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं रहते हैं जैसे अपने पास नॉस्ट्रिल है ठीक है ना माउथ है एनिमल्स में भी नॉस्ट्रिल और माउथ होती है लेकिन प्लांट्स में ये सब नहीं होता प्लांट्स कैसे रेस्पायर करते हैं प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं लीव्स जो लीव्स रहते हैं इसमें छोटे छोटे टिनी पोर्स रहते हैं छोटे छोटे टिनी पोर्स में छोटे छोटे छेद रहते हैं जिसमें की एयर का एक्सचेंज होता रहता है ये जो छोटे छोटे पोर्स रहते हैं इनको क्या बोलते हैं स्ट्रोमेटा अब ये क्या करते हैं स्ट्रोमेटा ये एयर को एब्जॉर्ब करते हैं एयर को एब्जॉर्ब करने के बाद ये किस में भेजते हैं आपके रूट्स में भेजते हैं जिससे कि प्लांट्स क्या कर सकते हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस कर सकते हैं सो प्लांट्स क्या है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन है क्यों क्योंकि इसमें जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन से ही रेस्पायर करते हैं आप सभी को मालूम है मैंने आपको भी बताया जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है तो वो किस फॉर्म में रहती है जो आपका फूड है स्टार्च और शुगर मींस फूड जो आपका फूड है अब वो फूड किससे जाके मिलेगा आपका ऑक्सीजन से मिला आपका फूड जो आपने ऑक्सीजन को इंटेक किया जो आपका फूड है दोनों मिक्स हुए फिर वो क्या फॉर्म करते हैं आपकी एनर्जी फॉर्म करते हैं जो आपके वर्क में हेल्प करती है किसी एक्टिविटीज में हेल्प करती है फिर वो एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है किस में रिलीज होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में वो एनर्जी आपकी रिलीज हो जाती है इस प्रोसेस को क्या बोलते हो आप रेस्पिरेशन बोलते हो एरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की हेल्प से होती है ठीक है अब यही अगर एनएरोबिक होती तो यहां पर ऑक्सीजन क्या रहती एब्सेंट होती जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहती तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो रेस्पायर कर सकते हो ये इस टॉपिक में देखना है इसको बुक से रीड करेंगे इन प्लांट ब्रीथिंग टेक प्लेस थ्रू टिनी होल्स और ओपनिंग अंडर द लीव्स कॉल्ड स्ट्रोमेटा प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन होता है किसकी हेल्प से होता है स्ट्रोमेटा की हेल्प से होता है हम आपको बता चुके हैं स्ट्रोमेटा ट्रैप इन एयर एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इनसाइड द प्लांट सेल अब जो स्ट्रोमेटा है वो एयर में क्या करती है ट्रैप करती है इसको क्या करती है एब्जॉर्ब करती है हमने आपको बताया और किस फॉर्म में होती है प्लांट्स के सेल में वो सारी एयर को ट्रांसपोर्ट करती है जिससे कि प्लांट रेस्पायर कर सकते हैं ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी बना अब जो प्लांट ऑक्सीजन को क्या करेंगे इंटेक करेंगे और क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं सो ऑल प्लांट सेल नीड अ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज़ दे कैरी आउट रेस्पिरेशन ऑल टाइम अब हर एक प्लांट्स के ट्रियो क्या होती है एयर की ऑक्सीजन की क्या होती है जरूरत होती क्यों क्योंकि वो रेस्पायर कर सकते हैं अगर वो रेस्पायर नहीं कर सकते हैं तो वो क्या हो जाते हैं डेड हो जाते हैं वो मुरझा जाते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो यही सब प्रोसेस किसमें आपकी रेस्पिरेशन इन प्लांट इतना याद रखना है प्लांट में किस टाइप की रेस्पिरेशन होती है आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है और एरोबिक कौन सी होती है आपकी जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है ये रिएक्शन याद रखना है और किस फॉर्म में होती है आपकी किस पार्ट की हेल्प से होती है आपकी लीव्स की हेल्प से होती है जिसमें की स्टोमेटा प्रेजेंट रहता है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल एनिमल में रेस्पिरेशन कैसे होता है अब ये अपन किस में
मिलेगा प्लांट्स नेक्स्ट क्लास में, एनिमल्स का डिस्कस करेंगे। थैंक यू।